जय आरसीएम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्प्ले वॉल को किस तरीके से चलाना है जिससे कि हमें हमारे बिजनेस में बेहतर से बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरसीएम डिस्प्ले वॉल का संचालन, यानी कि आरसीएम डिस्प्ले वॉल को किस तरीके से चलाना है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। आरसीएम डिस्प्ले वॉल में आरसीएम प्रोडक्ट्स के अलावा अन्य कोई सामान ना हो। प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज सजाएं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कहने का मतलब, अगर कोई बीज साबुन है तो बीज को अलग रखना है, सेंसेशन को अलग रखना है, इस तरीके से सजाना है कैटेगरी वाइज। प्रोडक्ट पर्याप्त मात्रा में रखें, यानी कि जिस हिसाब से महीने भर में आपका सेल होता है उस हिसाब से आपके डिस्प्ले वॉल में प्रोडक्ट्स होने चाहिए। ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में रखें, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि ज़्यादा चल रहा है, वह प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है तो उसे ज़्यादा मात्रा में रखें। ऐसा प्रोडक्ट ना रखें जिसके बिकने की निश्चितता ना हो, अनुभव के पश्चात प्रोडक्ट बढ़ाते रहें। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट को ना रखें जो कि आपके एरिया में सेल ना हो पा रहा हो या कम सेल होता हो, तो उसे कम रखें, अगर सेल नहीं हो रहा है तो उसे नहीं रखें। और जैसे जैसे अनुभव आते जा रहा है वैसे वैसे उस अनुभव के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले वॉल में बढ़ाते जाएं। डिस्प्ले वॉल को भरा हुआ रखें, खाली खाली ना रखें। यह एक महत्वपूर्ण बात है। नए लाए गए प्रोडक्ट को पीछे रखें, पहले वाले को आगे रखें। जैसा कि हम जानते हैं कि पुराने प्रोडक्ट जल्दी एक्सपायर हो जाएंगे क्योंकि वह ज़्यादा दिन से रखे हुए थे, और नए प्रोडक्ट्स अभी लंबा चलेंगे। इसी वजह से हमें नए प्रोडक्ट्स को पीछे रखना है और पुराने प्रोडक्ट्स को आगे रखना है। खाद्य सामग्री उतनी ही मात्रा में लाएं जो तत्काल बिकती रहे, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। परिवार के सदस्यों को अच्छी तरह ट्रेनिंग दें, परिवार के लोगों को हमें ट्रेनिंग भी देना चाहिए ताकि आप ना रहें तो परिवार के लोग किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकें। प्रोडक्ट ना होने पर मना ना करें, ऑर्डर ले लें, बाद में घर पहुंचा दें। अगर बाय चांस आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है तो आप उनसे ये मत बोलिए कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, उनसे यह कह दें कि आप ऑर्डर दे दें, हम मंगवा देंगे, और नहीं होगा तो हम आपके घर में भी पहुँचा देंगे। मूल्य सूची उचित जगह पर लगाएं। जो भी प्रोडक्ट्स के प्राइस हैं उन्हें सबसे आगे में लगाएं जिससे कि वह प्राइस को देख सकें। डिस्प्ले वॉल प्रोडक्ट कैटलॉग, मार्केटिंग प्लान, वो प्रोडक्ट की जानकारी देने वाली सभी सामग्री रखें। हमें प्लान बुक और भी तरह के जो भी बुक्स आते हैं उन्हें हमें ज़रूर रखना है डिस्प्ले वॉल में, क्योंकि होता यह है कि बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ही रखते हैं और बुक्स को रखते ही नहीं हैं, जबकि बुक होगा तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा। बुक से ही हमें जानकारी मिलती है प्रोडक्ट्स की, सो इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। जब भी किसी डाउनलाइन को प्रोडक्ट दें तो तत्काल बिल बनाएं। जब भी आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं किसी डाउनलाइन को तो आपको तुरंत बिल कर देना है। ये नहीं कि हम बाद में कर देंगे, इस टाइप का नहीं करना है। तुरंत उनके सामने ही बिल करने का एक आदत सी बना लें, और उनके सामने हो जाएगा तो उनको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कि हाँ, हमारा बिलिंग हो चुका है। जब भी आप प्रोडक्ट सेल करें या स्वयं के उपयोग के लिए लें तो स्वयं के कोड पर बिल बनाएं। यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हम प्रोडक्ट को अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो वह हमें अपने आईडी पे बिल कर देना है। तो यही कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हमने सीखा कि हमें हमारे डिस्प्ले वॉल को कैसे बेहतर तरीके से चलाना है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने टीम मेंबर्स के साथ ताकि वह भी यह जानकारी ले सकें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय आरसीएम।